समय सार गाथा 81, 82, 83 हुई थी और 84, 85 दो गाथाएं भी पढ़ी थी, नहीं 84 तक ही पढ़ी थी, है ना। 83वीं गाथा में आचार्य ने कहा था, निश्चय से आत्मा स्वयं को ही करता है और स्वयं को ही भोगता है। और 84वीं गाथा में कहा था, व्यवहार से वह अनेक प्रकार के कदम उद्गल कर्मों को करता है और भोगता है। अब आचार्य आगे गाथाओं में ये बताने वाले हैं कि यदि निश्चय से तो आत्मा का करता है, व्यवहार से उद्गल कर्म का करता है, यदि ये निश्चय और व्यवहार को न समझा जाए और दोनों को एक ही हैसियत से लिया जाए कि जैसे निश्चय से आत्मा अपने परिणामों का करता है, ऐसे निश्चय से कर्मों का भी करता हो जाए, तो क्या स्थिति बनेगी। निश्चय से जीव अपने परिणामों का करता है, व्यवहार से कर्मों का करता है, यदि दोनों ही का करता निश्चय से हो जाए, वास्तव में दोनों का करता हो जाए, तो क्या दिक्कत आएगी। तो देखो गाथा 85वीं, यदि पोगल कम मिलम को बदितम चेव वेद यदि आदा, दो क्रिया वदिरितो पश्चद सोजड़ाव मदम, मिल के बोले क्या लिखते हैं आचार्य। यदि यदि आदा आत्मा इणम पुग्गल कम्मम कुब्बदि, है ना। देखो करने के लिए कुणदि कुब्बदि करेदि कितने शब्द आते हैं, यहाँ कुब्बदि शब्द आया, पहले भी आया था। कि यदि आत्मा इस पुद्गल द्रव्य को करे, तम उसको ही चेब ही चाइव उसको ही वेदय दी उसको ही भोगे। यदि आत्मा उद्गल कर्म को करता है और उसी को भोगता है तो क्या होगा। दो क्रिया बदिरित्तो, है ना, वह दोनों क्रियाओं से यानी जीव की क्रिया से और पुद्गल की क्रिया, दो क्रियाएं हो गई ना, उन दोनों की क्रियाओं से अवधिरिक्तो व्यतिरिक्त यानी होता है भिन्न और अव्यतिरिक्त यानी अभिन्न, तो उन दोनों क्रियाओं से अभिन्न ठहरेगा। पसज्जदे मतलब उस दोनों क्रियाओं से अभिन्नता का प्रसंग आएगा। सो वह, है ना, सो मतलब वह ऊपर जिसकी बात थी जीव की आत्मा की, यहाँ तक तो ये बात हो गई। क्या हुई कि यदि आत्मा पुद्गल द्रव्य को करे और उसको भोगे तो ऐसी स्थिति में सो मतलब वह आत्मा दो क्रिया यानी पुद्गल और जीव इन दोनों क्रियाओं से अव्यतिरिक्तो अपृथक अभिन्न पसज्जदे ठहरेगा, उसके दो क्रियाओं से अभिन्नता का प्रसंग आएगा। जिड़ा जिन औ मधम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान के मत में नहीं है, मतलब औ मधम, है ना,
ऐसा जिनेन्द्र भगवान के मत में, ऐसा जिनेन्द्र भगवान के दर्शन में, ऐसा जैन दर्शन में संभव नहीं है, ऐसा जैन दर्शन में सम्मित नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान के मत में ऐसा माना नहीं गया है। जणाओ मदम, ठीक है ना, यानी आचार्य कह रहे हैं यदि तुम दोनों का कर्ता, जीव का भी कर्ता हो गया ऐसा मानेंगे और पुद्गल का भी कर्ता हो गया, तो दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरेगा। क्यों ठहरेगा? क्योंकि कर्ता कहाँ होता है जी, कर्ता कर्म संबंध दो द्रव्य में तो होता नहीं, कर्ता कर्म एक द्रव्य, एक संबंध एक द्रव्य में होता है। अब हमने अपने परिणामों का भी कर्ता कहा और पुद्गल कर्म का भी कर्ता कहा, तो जीव इन दोनों से अभिन्न हो गया। अपने परिणामों से अभिन्न है इसमें तो कोई संदेह है नहीं, लेकिन वह कर्म से भी अभिन्न हो गया। ऐसा जैन धर्म में संभव नहीं है, जैन धर्म कहने की बात है, ऐसी वस्तु स्थिति ही नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु स्थिति और जैन धर्म एक ही बात है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन है ना, उसे और वजन देने के लिए कहते हैं कि ऐसा भैया जिन मत में संभव है। यदि आप जैनेतर ही होना चाहते हो, कर्तावादी होना चाहते हो, मिथ्या दृष्टि होना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन अर्हात दर्शन में ये संभव नहीं है, अर्हत दर्शन में ये स्वीकृत नहीं है। समझ में आया है? हिंदी पढ़ें जरा इसकी। पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा, द्विक्रिया अव्यतिरिक्त हो सम्मत न जो जिन धर्म में। इसी तरह की ये 86वीं गाथा है, ये भी एक साथ पढ़ लें। जम्मादु अत्त भावम पुद्गल भावं च दो विकुब्बन्ति, तेड़ दुमिच्छा दिट्ठि, दो क्रिया वा दिनो हन्ति। जम्मा जम्मादु, क्योंकि पुग्गल भावम अत्त भावम, अत्त भाव मतलब आत्मभाव, और पुग्गल भावम मतलब पुद्गल भाव, दो भी कुब्बंती, यदि आत्मा इन दोनों को करता है, यदि ऐसा माने तो तेड़ दु मिच्छा दिट्ठि, है ना वो कौन है? दो क्रिया वादणों होती मिच्छा दिट्ठि, वह जी मिथ्या दृष्टि है, दो क्रिया वादणों होती, दो क्रियावाद, दो क्रियावादी होता है और ऐसा जी मिथ्या दृष्टि, दो क्रियावादणों दो क्रियावादी, दो क्रियावादी मतलब द्रव्य एक है और दो का कर्ता बन रहा है, तो ऐसी मान्यता को क्या कहेंगे? दो क्रियावादियों, ऐसा वह दो क्रियावादी होते हैं और वह मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि, ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। कौन? जो अत्तभावम और पुद्गल भावम, आत्मभाव को और पुद्गल भाव को, दो भी कुब्बंती, दोनों करते हैं, तेण दु, इस कारण से दुक्रियावादिनो हुंती, वे दुक्रियावादी होते हैं, और दुक्रियावादी होते हैं मतलब दुक्रियावादी मिथ्या दृष्टि होते हैं, दुक्रियावादी मिथ्या दृष्टि। यानी ऐसे एक द्रव्य है और दो द्रव्यों का कर्ता बने तो वो कौन हो गया? दुक्रियावादी, समझ में आया ना? तो ये है, यानी आचार्य ने यहाँ दुक्रियावादी को मिथ्या दृष्टि कहा है कि जो एक द्रव्य को दो द्रव्यों का कर्ता बताए, एक स्वयं का और एक पर का, समझ आए ना? ज्ञाता तो हो सकता है दो द्रव्यों का सफर प्रकाश है, लेकिन कर्ता नहीं हो सकता। और यदि ऐसा मानते हैं कि जम्मातु, इसलिए क्योंकि अत्त भावम पुग्गल भावम, आत्मा का भाव और पुग्गल का भाव दो भी पुग्बंती,
दोनों जीव का कर, जीव दोनों का करता है टेढ़ दू। इस तरह दुख क्रिया बादलो होती, दुख क्रिया बादलो मिच्छा दिखती होती, है ना। ऐसी मान्यता से वह जीव दुख क्रियावादी मिथ्या दृष्टि होता है। यानी सीधी सी बात है कि जो जीव मैं अपने राग का भी करता हूँ और मैं अपने बंध का भी करता हूँ, ऐसा जो मानता है उस जीव को आचार्य कह रहे वो दुख क्रियावादी मिथ्या दृष्टि समझा, है ना। जरा हिंदी पढ़ लो इसका। यदि आत्मा जड़ भाव चेतन भाव दोनों को करे तो आत्मा द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि अवतरे। ठीक है, तो इन दो गाथाओं में आचार्य ने एक जो स्थिति थी वो तो बताई, लेकिन अब उस स्थिति को ना माने। आचार्य का आप थोड़ा सा पीछे गाथाओं से देखें तो निश्चय और व्यवहार से आचार्य ने बात की कि निश्चय से जीव अपने कर्म कार्यों को करता है, अपने परिणामों को उसका ही भोगता है, और व्यवहार से पुद्गल कर्म का करता है और पुद्गल कर्म का भोगता है। तो निश्चय की अलग हैसियत है और व्यवहार की अलग हैसियत है। तो आचार्य ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा माने तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो अनेकांत है, ये तो सम्यक ज्ञान है। ठीक है, कि उसको व्यवहार से करता माने और उसको निश्चय से करता माने। इसको व्यवहार और निश्चय की भाषा में ना कहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि कर्म का जीव निमित्त है और अपने परिणामों का उपादान। दो कौन कौन सी अलग अलग भाषाएं हैं। एक भाषा ये है कि निमित्त और उपादान की भाषा ना हो, कर्ता की ही भाषा हो, लेकिन उसमें निश्चय और व्यवहार लग जाए कि निश्चय से जीव अपने परिणामों का करता है और व्यवहार से जीव कर्मों का करता है। यहाँ निमित्त उपादान कुछ नहीं आया। ठीक है, एक तो ये भाषा है। दूसरी भाषा ऐसी हम कह सकते हैं कि कर्मों का जीव निमित्त है और स्वयं के परिणामों का उपादान का। ठीक है, तो यहाँ तक माना जाए तो ठीक है, लेकिन वह दोनों का उपादान बन जाए, दोनों का कर्ता निश्चय से बन जाए, तो कहते हैं ये दुख क्रियावादी। तो क्या करें, दोनों का व्यवहार से बने? नहीं, व्यवहार से भी नहीं बने तो निश्चय से बने? बोले नहीं, निश्चय से भी नहीं बने तो क्या करें, उसका व्यवहार से और इसका निश्चय से। और व्यवहार से करता है मतलब वास्तव में करता नहीं, क्योंकि व्यवहार का कार्य भी है कि दो द्रव्यों में संबंध स्थापित करना, दोनों द्रव्यों में कारण कार्य संबंध स्थापित करना, ये व्यवहार का कार्य है। तो व्यवहार को वैसा ही माने व्यवहार की तरह तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे निश्चय की तरह मान लें तो कहते हैं ऐसे में दुख क्रियावाद का प्रसंग आएगा। समझ में आया। और ये सब वास्तव में लिख तो रहे हैं कि जिन मत में स्वीकृत नहीं है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं आचार्य? क्योंकि यहाँ जिनको समझा रहे हैं ना आचार्य, वो मुख्य रूप से सब जैनियों को ही समझा रहे हैं, जो जिन धर्म को मानते हैं, देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, ऐसे जीव को समझा रहे हैं। और ऐसे जीव को कम से कम कुल धर्म की दुहाई दो, भैया तुम ऐसा जो कह रहे हो ये जिन मत में संभव नहीं। यानी आचार्य जीव अपने घर मकान घर गृहस्थी का करता है, इसको तो अभी दूर ही जानी है। आचार्य यहाँ बात कर रहे हैं जीव के अपने परिणाम और कर्म, क्योंकि कर्म के साथ विशिष्ट संबंध है जीव का, विशिष्ट संश्लिष्ट संबंध है। यदि इसका अकर्तत्व तो सिद्ध हो गया तो फिर घटपट रस है ना, ये जो बाहर की पदार्थ हैं इनका तो फिर हो ही जाएगा। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, उसमें भी है ना अमित गति आचार्य के सामायिक पाठ में, तन से जिसका एक के नहीं हो सुत प्रिय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, है ना। तो इसलिए आचार्य यहाँ अभी आप ये मत समझ लेना कि आचार्य कहीं बाहर चले गए हैं कोई घटपट रथ, अभी गाथाएं आएंगी ऐसी उसमें भी जाएंगे आचार्य। अभी आचार्य उसी वेदी पर बात कर रहे हैं। कौन सी वेदी पर? वो कर्म सिद्धांत वाली वेदी पर। कौन सी वेदी पर? अभी आचार्य कर्म सिद्धांत के दायरे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ठीक इसके पहले आचार्य ने
निश्चय व्यवहार की बात की, और आगे अभी गाथाएं आने वाली हैं उसमें भी कर्म सिद्धांत की बात है। कर्म सिद्धांत की बात है मतलब जैसे बंध के प्रत्यय है ना, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। यहाँ चार बताए, मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय और योग। अभी कर्म सिद्धांत की बात है तो आगे की गाथाओं में इसी को लेने वाले हैं आचार्य कि ये बंध के प्रत्यय भी दो प्रकार के हैं, एक जीव मिथ्या तो एक अजीव मिथ्या, एक जीव कषाय एक अजीव कषाय, एक जीव अविरति एक अजीव अविरति, एक जीव योग एक अजीव योग। तो पीछे जाएं तो भी एक कर्म सिद्धांत की बात की आचार्य ने, और आगे गाथाओं में जाएंगे तो भी कर्म सिद्धांत की बात की। और कर्म सिद्धांत की बात मतलब हमें तो मुख्य रूप से जैनियों को समझाना है। किसको समझाना है? जैनियों को। इसलिए आचार्य यहाँ कहते हैं कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि जीव अपने परिणामों का भी करता है और कर्म का भी करता है, तो ऐसा मानने से दुक्रियावादी ठहरोगे, दुक्रियावादी मिथ्या दृष्टि होगे, और ऐसा जैन मत में स्वीकृत नहीं है। जैन मत में स्वीकृत नहीं है मतलब इसका ग्लोबलाइजेशन कर दिया जाए तो वस्तु स्वरूप में ऐसी व्यवस्था नहीं, दोनों के कर्ता आप नहीं हो सकते। तो सब शास्त्रों में तो लिखे हैं, तो कहते हैं विवेक से पढ़ो कि जब कर्म का कर्ता कहा जाए तो वह व्यवहार है, और आत्म परिणामों का कर्ता कहा जाए तो वह निश्चय है, और समस्त का कर्ता कहा जाए तो वो शुद्ध नय है। वो कौन सा नय है? वो शुद्ध नय है, वही बहन निश्चय नय में भी है ना वेद। अपने विकार का कर्ता कहा जाए तो अशुद्ध नय, सम्यक दर्शन आदि का कर्ता कहा जाए तो एक देश शुद्ध निश्चय ने है ना, केवल ज्ञान आदि का कर्ता कहा जाए तो साक्षात शुद्ध निश्चय ने, और सबका अकर्ता कहा जाए तो परम शुद्ध निश्चय ने शुद्ध ने। कहते ये सब नए परिपाटी से है। कुंड देव ये कहना चाह रहे हैं कि आप समस्त जिनागम को नयों की आंखों से देखें। कैसे देखें? नयों की आंखों से, क्योंकि समय सार में सर्वत्र आचार्य ने जो भी विवेचन किया है उसमें निश्चय व्यवहार की दृष्टि से किया है, समझना है। तो भाई साहब छोड़ना तो दोनों ही नयों को नहीं है, तो कहते दोनों ही नयों को ग्रहण करो लेकिन किस तरह से, व्यवहार जैसा कहता है वैसा ग्रहण करो, कि व्यवहार जैसा कहता है वैसा है नहीं। देखो आप ये पेज नंबर 90 पे देखो, अच्छा 90 अनुशीलन में इसी से संबंधित ये 86वीं 85वीं गाथा का अनुशीलन आधे पेज में समाप्त हो गया ना, तो आधा पेज खाली जगह थी, तो उसमें उन्होंने एक मोक्षमार्ग प्रकाशक का छोटा सा उद्धरण, यहाँ जगह थी तो यहाँ दे दिया है बॉक्स बना के, और ये भी जानबूझ के दिया है वो, इसलिए क्योंकि इस विषय का यहाँ से गहरा संबंध है, समझ में आए ना। क्योंकि बात किसकी चल रही थी? व्यवहार और निश्चय की, कि जीव अपने परिणामों का कर्ता निश्चय से है, वो कर्मों का कर्ता व्यवहार से है। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि साहब हम तो दोनों नयों को मानते हैं, यानी जीव कर्म का भी करता है और परिणामों का भी करता है, अपने परिणामों का भी करता है, और शास्त्र में लिखा भी है कि दोनों नयों में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले आचार्य समझाए हैं अमृतचंद देव तो, जय जड़मयम पवज्जय तामा बबहार छय मुड़ है एक केड़ मिणा छिज्जई तिथम अंडेण उन तच्च, कि यदि तुम जिनमत का प्रवर्तन कराना चाहते हो तो दोनों नयों में से किसी को भी मत छोड़ो। यदि निश्चय को छोड़ व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, समझ आए ना। तो ऐसे ही प्रसंगों से जीव समझ नहीं पाता तो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। योभ्यावासी मिथ्या दृष्टि का चित्रण कहाँ है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सातवें अधिकार में है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। तो निश्चयाभासी मतलब जो निश्चय को ही माने, व्यवहाराभासी मतलब जो व्यवहार को ही माने, और उभयाभासी मतलब जो दोनों को माने। अब आचार्य से पूछा कि छोटोमल जी से कि एक बात बताओ जी, हमने निश्चय को माना तो तुमने निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि कह दिया, व्यवहार को ही माना तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कह दी, अब दोनों को मान रहे तो कह रहे हो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, तो करें क्या? बहुत सूक्ष्म चित्रण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, सबसे सूक्ष्म वर्णन जो है वो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का है।
क्यों? क्योंकि निश्चयाभासी का कथन तो पहले भी आया है, पहले भी शास्त्रों में आया है, निश्चयावलंबी का, है ना, टोटरमल जी ने नाम दिया निश्चयाभासी। व्यवहारावलंबी का पहले भी आया है, समझ में आया? पंचास्तिकाए की बात की गाथाओं की टीका नहीं है, है ना। लेकिन उभयाभासी का चित्रण कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया। उभयाभासी टोडरमल जी का अपना एक विशिष्ट चिंतन है, विशिष्ट देन है, जहां में वह दोनों ग्रहण करने में, दोनों नयों को एक साथ ग्रहण करने में कहां भूल होती है। ज्ञानी भी दोनों नयों को ग्रहण करता है, लेकिन अज्ञानी जब दोनों नयों को ग्रहण करता है तो उसके क्या भूल होती है, ये बात मोक्षमार्ग प्रकाशक के अलावा कहीं नहीं है, है ना। इसलिए वो बहुत बारीक चित्रण है। तो वहाँ यही बताया है कि भैया दोनों ने, कि देखो कैसी कैसी बातें बताई, कि यह उभयाभासी मानता है कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब सातवें अध्याय में जितने भी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है, वो सारी मिथ्या मान्यताएं जीव ने शास्त्र पढ़ के पुष्ट की है। कहाँ पढ़ के की है? निश्चयाभासी शास्त्र पढ़ के निश्चयाभासी हुआ है, व्यवहाराभासी शास्त्र पढ़ के व्यवहाराभासी हुआ है, उभयाभासी भी शास्त्र पढ़ के उभयाभासी हुआ है। अब कहाँ आती है शास्त्र में कि मोक्ष मार्ग दो तरह के हैं? आती है शास्त्र में, बात देख लो, छह डाला में ही देख लो, छह डाला में है कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो द्विविध विचारो जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। क्या लिखा? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ये मोक्ष मार्ग है, द्विविध विचारो, दो प्रकार से इसे विचारना चाहिए, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, जो सत्यार्थ रूप है वह निश्चय, कारण सो व्यवहार, और जो कारण है वो व्यवहार। समझा की बात की तो हो गया ना दो प्रकार, ऐसी और भी जगह आता है। तो टोडरमल जी ने ऐसी ऐसी बारीक बातों का खंडन किया उभयाभासी के प्रकरण, ऐसे ही वो है कि दोनों नए सत्य हैं साहब, हम तो दोनों ही नयों को मानते हैं, है ना। तो देखो वहीं से आचार्य ने यहाँ अनुशीलन में आचार्य कल टोडरमल जी के वहीं से उभयाभासी के प्रकरण से ये उठाया। देखो अपन दो मिनट में पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा है कि दोनों नयों का ग्रहण करना मतलब क्या। क्यों जी, केला उपादे है कि केले का छिलका उपादे है? केला जो है, केला अच्छा है कि केले के छिलका अच्छा है? केला अच्छा है, छिलका बढ़िया नहीं? अच्छा, तो बाजार से छिलका उतार के लाते हैं। कहते देखो कथनचित दोनों ही उपादे हैं, कथनचित दोनों ही उपादे हैं, छिलका ना हो तो केले की रक्षा कौन करेगा? जन्म से लेके जब तक केला खाया नहीं गया, कब क्या कहा मैंने, क्या बोल दिया, केले के जन्म से लेके जब तक केला खाया नहीं गया तब तक उसकी हिफाजत कौन करता है? छिलका करता है, और ना करे तो हम खा पाएंगे नहीं। आप कल्पना करो केले का छिलका ना हो, केवल दल हो गए पेड़ में, कोई खा पाएगा? ऐसा केला खोल के रख दो, खोल के छील के रख दो, तो पाँच मिनट बाद वो कैसा हो जाता है, खा ही नहीं सकते आप। तो वो वैसे ही यदि हो गए तो कौन खाएगा? तो छिलका कथनचित उपादे, वो उगता भी साथ में है, खरीद के लाते भी साथ में है, रखते भी साथ में है, धोते भी सबको साथ में है, और यहाँ तक कि जब तक खाते नहीं हाथ में लिए हैं तब तक साथ में है, और यहाँ थोड़ा थोड़ा छील के स्टाइल है ना खाने की, तो ज्यो ज्यो खोलते हैं तो खाते जाते हैं त्यों तो हम आगे उसे छीलते जाते हैं। यानी जो छिलका है वो कब हे होता है? जब उसका ग्रहण होता है तो वो हे हो जाता है, छूट जाता है, लेकिन वहाँ तक तो हमने उसे सम्मान दिया ना, और दल तो सम्मान है ही, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ था। तो दोनों ही उपादे, तो क्या करना चाहिए, दोनों ही ग्रहण करने लायक हैं, तो है तो दोनों उपादे, लेकिन दोनों के उपादे पने में फर्क है, दोनों के ग्रहण करने में फर्क है, समझ आए ना। घर में मेहमान आते हैं, शादी मान ली, बारात आई बेटी की, तो दूल्हा भी है, बराती भी है, और ड्राइवर भी, और कर्मचारी भी है,
आएंगे सब, स्वागत सबका होगा, विदाई भी सबकी होगी, लेकिन सबकी हैसियत अलग है। तो ऐसे ही देखो लिखते हैं, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। कौन सा नए? व्यवहार में क्या करता है? स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन ऐसे ही कहेगा जैसे कर्ता कर्म संबंध। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व तो होता है। क्या होता है? इसलिए उसका त्याग करना, किसका? मिथ्यात्व का भी व्यवहार का। ऐसे श्रद्धान का त्याग करना, समझे भाई? तथा निश्चय नए उन्हीं को यथावत निरूपित करता है, निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। यहां प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों को ग्रहण करना कहा है सो कैसे? मेन प्रॉब्लम तो यही है ना, दोनों नयों को ग्रहण करना मतलब क्या? समाधान, जिन मार्ग में, कहीं तो निश्चय ने की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार ने की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है। क्या किया है? उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही, किस प्रकार जानने का? कि ये सत्य है और ये उपचार है, इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। इस प्रकार जानने का नाम क्या है? दोनों नयों का ग्रहण। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है, इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तने से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। कितना बढ़िया आंसर, समझाया ना? ए? मतलब टोरमल जी की स्पंक्तियों पे तो क्या कहा जाए, मतलब सैकड़ों पृष्ठ में व्याख्या हो जाए इन पंक्तियों की, क्योंकि सारा ज्ञान तो यही है ना, सब शास्त्र में है। तो व्यवहार है, तो व्यवहार है, तो व्यवहार है, उसको ग्रहण करना भी है, तो ग्रहण करने का मतलब क्या है? टोटरमल जी, शास्त्र कैसे पढ़ना, शास्त्र पढ़ने का सलीका यदि इस युग में किसी ने बताया तो टोटरमल जी ने बताया। क्या कहा मैंने? शास्त्र पढ़ने का सलीका यदि किसी ने बताया है 2000 साल के शास्त्र लेखन की परंपरा में, तो महापंडित टोटरमल जी ने बताया और किसी ने नहीं बताया। चार अनियोग का तो कथन किया है, परंपरा में किया है, समंतभद्र स्वामी ने किया है, और चारों अनियोगों का ये भी बताया कि संयोग में क्या है, बहुत थोड़ा थोड़ा, लेकिन चारों अनियोगों का विस्तार से स्वरूप बताने के बाद शास्त्र पढ़ने की क्या तहजीब हो, क्या विवेक हो, ये टोडरमल जी के अलावा मुझे कहीं पढ़ने नहीं मिला। क्या नहीं मिला? हाँ, थोड़ा तो पढ़ने मिला। कहाँ? जैसे शास्त्रों में स्थूल प्रकार के श्रोता बताए, श्रोता का स्वरूप बताया, ये सब बताए, तो वहाँ से हम थोड़ा निकाल सकते हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए। तो श्रोता की जो विशेषताएं बताई हैं वो उसमें से हम ये निकाल सकते हैं कि शास्त्र समझने की मतलब विवेक क्या होना चाहिए श्रोता में। श्रोता में सुनने की तरफ से लिखा, उसको यदि पढ़ने की तरफ से ले ले तो थोड़ी सी बातें निकल सकती हैं। जैसे 16 प्रकार के श्रोता बताए, रतन कंड श्राकाचार की भाषा वचन का भी है, वो मूल आगम में मतलब आगमों में भी है कि श्रोता के 16 प्रकार बताए। और मालूम कैसे बताए? मिसाल दे दे के, उदाहरण दे दे के, दृष्टांत से। कैसे? कि कुछ श्रोता चलनी की तरह होते हैं कि जैसे उसमें पानी टिकता नहीं है, ऐसे ही सुनते हैं लेकिन कुछ भी हृदय में उतरता नहीं है।
कुछ श्रोता ऐसे जोंक की तरह होते हैं, जोंक का कल उदाहरण आया था ना, उस प्रसंग में भी दिया है वो उदाहरण दृष्टांत कि जैसे जोंक गंदा खून पीती है ना, ऐसे ही ऐसा श्रोता केवल जिनवाणी में विषय कषाय की पोषण की बातों पर दृष्टि रहती है। चक्रवर्ती की बात आई, अरे ये वैभव वैभव था, सम्यक दृष्टि थी, जब वो कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसी विषय कषाय के पोषण की बातें ही ग्रहण करता है, वैराग्य की बातों को छोड़ देता है। ऐसे भी होते हैं बोले तोता की तरह, जैसे तोता सीख लेता है और वह केवल बोलता है, हृदय में भाव वासन नहीं। ऐसे 16 बताए एक एक करके। कुछ बताए मिट्टी की तरह कि बोले जैसे मिट्टी में पानी गिरता है तो मुलायम हो जाती है कुछ देर के लिए, फिर टाइट हो जाती कड़क। ऐसे जब जिन वचन सुनते हैं पढ़ते हैं तो उस समय तो हृदय भीग जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसे लिखा। तो ये क्या है, ये जो बताया ये भी एक तरह से जिनवाणी पढ़ने की श्रोता के स्वरूप में से, ये भी जिनवाणी के पढ़ने की एक विवेक ही तो बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ना पढ़ें कि जोंक की तरह हम उसमें केवल विषय कषाय की बातें देखें, ऐसे ना पढ़ें कि तोता की तरह हम उसे रट लें। तो स्वरूप बताया है तोते की तरह श्रोता का, लेकिन उसमें क्या छुपा हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बुरे आदमी का स्वरूप क्यों बताया जाता है, बुरे आदमी का स्वरूप क्यों बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बताया ऐसे भी श्रोता होते हैं जो गाय की तरह, कैसे गाय की तरह कि खाते हैं घास और देते हैं दूध, खाते हैं सूखी घास और देते हैं दूध। तो ऐसे श्रोता जो कम मतलब जिनवाणी पढ़ते हैं, समझ में आया ना, और अपने अंदर वैराग्य होता है। ऐसे ही कुछ श्रोता तराजू की तरह होते हैं, जैसे तराजू पर तोला जाता है तो हर चीज़ को तर्क न्याय युक्ति से तोलते हैं। कुछ श्रोता हंस की तरह होते हैं कि पानी को छोड़ के दूध पीते हैं, है ना। ऐसे ही अप्रयोजन बात को छोड़कर केवल वैराग्य और तत्व ज्ञान की बात ग्रहण करते हैं। तो अच्छे श्रोताओं को इसलिए बताया जाता है कि जिनवाणी इनकी तरह पढ़ो, और बुरे श्रोता क्यों बताए कि इनकी तरह मत पढ़ो। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो पुरानी परंपरा में भी शास्त्र के पढ़ने की पद्धति बताई है ना उसका निश्चय। लेकिन टोडरमल जी ने जिस विस्तार से शास्त्र को पढ़ने का विवेक कैसे होना चाहिए जीव के पास, वो जो बताया ना वो अद्भुत है, अद्भुत है वो, अद्भुत है। और वो बताया उन्होंने 8वें अधिकार में। कौन से अधिकार में? 8वें। इसलिए बहुत ज़बरदस्त पढ़ने लायक है, आपने है ना। खैर, तो ये भी तो जिनवाणी पढ़ने की तमीज ही तो है, विवेक ही तो है कि जहाँ निश्चय व्यवहार दोनों का ग्रहण करना, मतलब क्या कि जहाँ व्यवहार ने का ग्रहण करना मतलब व्यवहार ने जैसा कहा है ऐसा है नहीं, उपचार आदि की अपेक्षा कहा है, और निश्चय ने जो जैसा कहा है ऐसा ही है, ऐसा जानना ही दोनों नयों का ग्रहण करना है। तो बोलो ये शास्त्र पढ़ने का विवेक बताया कि नहीं आचार्य, समझना है ना। बहुत गजब है मुखमा प्रकाशक ग्रंथ, बहुत गजब है, मतलब अद्भुत है, अद्भुत है ना। ठीक है, तो इस पृष्ठभूमि में ये बात आई कि आचार्य ने निश्चय से आत्मा को परिणामों का कर्ता कहा अपने, और व्यवहार से कर्मों का। तो कोई ये ना कहे कि देखो कह दिया ना दोनों का कर्ता, अब यही तो दिक्कत, कह दिया ना दोनों का कर्ता, बोलो उसे तो व्यवहार से कहा है, अरे तो व्यवहार में भी तो ग्रहण करना चाहिए। कुछ समझ में आई बात, दुक्रियावादी की बात आचार्य ने क्यों की, क्या कहा कि देखो निश्चय से किसका करता है, आत्मा का, और व्यवहार से कर्मों का, तो व्यवहार से कह दिया ना कर्मों का करता है, तो हाँ व्यवहार से कहा है, हाँ तो कह दिया ना व्यवहार से करता है ना, तो देखो हो गया ना दोनों का करता, निश्चय से भी और व्यवहार ने से। आचार्य कुंभकुंड कहते बस यही चूक गए, अरे भैया दोनों का करता जो हमने कहा वो दोनों का करता एक सी हैसियत से नहीं कहा, एक का कहा व्यवहार से और एक का कहा निश्चय से, और ये बात मैं 11वीं गाथा में गांठ बंधवा के आया हूँ। कुंदकुंद देव यदि कहेंगे तो यही कहेंगे कि मैं 11वीं गाथा में बिल्कुल फैसला दे के आया हूँ कि व्यवहारो भूधत्थो भूधत्थो देसी दो दुशुद्धड़ो, कि शुद्ध न भूतार्थ है और व्यवहार न अभूतार्थ।
मतलब व्यवहार में जो कहता है वो वास्तविकता नहीं है, और शुद्ध ने जो कहता है वह वास्तविकता है, निश्चय ने जो कहता है वह वास्तविकता है। तो यदि मैं कहूं कि यह व्यवहार है तो कहूंगा तो मैं व्यवहार, और तुम मन में क्या सोचना कि ऐसा है नहीं। क्यों? काने से काना कहो पुरथई जय है टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि झूठी बात, लेकिन हम कहेंगे कि ये व्यवहार। तो व्यवहार कहते ही तुम अपने मन से लगा लेना कि ये परमार्थ नहीं है। टोडरमल की भाषा में कहें, टोडरमल जी की, ये उपचार है। क्या है ये? उपचार। ठीक है, तो दुक्रियावादी की बात क्यों आई, क्यों आई, किस किस भूमिका में आई, किस पृष्ठभूमि में? कि चूंकि दोनों नयों के से आचार्य ने दोनों का कर्ता कहा, निश्चय नय से अपने परिणामों का, व्यवहार नय से पुद्गल के परिणामों का कर्ता, तो कोई समन्वयवादी व्यक्ति हो, कौन सा समन्वयवादी व्यक्ति हो, और कहे कहे कि देखो निमित्त इसकी अपेक्षा से हो गया ना कर्ता, व्यवहार नय से तो कर्ता कहा है ना, और व्यवहार नय कोई झूठा थोड़ी है, व्यवहार नय को भी ग्रहण करना है, वो भी हमारा ही है, वो भी ज्ञानियों ने बताया। ऐसा कोई विपरीत अभिप्राय और छल ग्रहण करे तब आचार्य उस पृष्ठभूमि में लगते हैं कि नहीं, ऐसा दो क्रियावादी जैन धर्म में स्वीकृत नहीं है, जीव दोनों का कर्ता नहीं हो सकता। तो आचार्य तो आप ही तो कह रहे, हम कहां कह रहे कि निश्चय से अपने परिणामों का कर्ता है और व्यवहार नय से पुद्गल कर्म का कर्ता, आप ही कह रहे हैं। देखो हमारे इस कहने पर तो ध्यान रहा, लेकिन ये नहीं रहा कि उसको हमने व्यवहार से कहा और इसको निश्चय से कहा, और व्यवहार को तो हम पहले ही झूठा कह के आए। बात समझ में है ना? तो ये प्रश्न उन गाथाओं से निकला है और आगे का प्रकरण भी उन्हीं गाथाओं से निकला है, इसलिए मैंने आपको आपस में इनका कनेक्शन बताया। ठीक है, अब देखो ये देखो आप पेज नंबर 86 पर एक ही बात। अब देखो इस गाथा के बाद आचार्य ने कलश लिखे हैं, कलश 51, कलश 52, 53, 54, 55, 56 और बहुत, ये छह कलश बहुत प्रसिद्ध हैं। ये छह कलश में भी ये शुरू के जो चार हैं है ना, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत लोकप्रिय हैं, और उसका कारण है कि ये है भी बहुत गजब। यानी इन कलशों में जैसे आचार्य ने कोर्ट का फैसला सुनाया है, यानी जैन धर्म, जैन फिलॉसफी क्या है हकीकत में, जिन धर्म कह लो, और इस प्रसंग में यहाँ समय सार के कर्ता कर्म की आत्मा इन कलशों में आचार्य ने बताई है। बहुत अच्छे कलश हैं। देखो अपन एक एक थोड़ा पढ़ते हैं, ज़्यादा विवेचन तो नहीं कर पाएंगे लेकिन पढ़ते हैं। सबसे पहले 51 में कलश पढ़ते हैं। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेत्तु तत् कर्म, या परिणति क्रियासा, त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया। देखो क्या गजब पता है, कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, और क्रिया किसे कहते हैं। यह परिणमति सा कर्ता, ये ब्रह्म वाक्य जैसा है, स्लोगन है, समझ लो। ये क्या है? कर्ता किसे कहते हैं? यह परिणमति सा कर्ता, जो परिणमन करता है वह कर्ता है, जो परिणमित होता है वह कर्ता है। यह परिणामो, जो परिणाम है भवेत्तु तत्कर्म, वही उसका कर्म है। ठीक है, और यह या परिणति क्रियासा, और जो परिणति हुई,
परिणति मतलब जो परिणमन हुआ उसका नाम क्रिया है। और वस्तुतया वस्तु की दृष्टि से देखा जाए त्रयमपि भिन्नम न, ये तीनों भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं है मतलब तीनों एक। क्या लिखा कुछ समझ में तो नहीं आया अभी लेकिन है? जो परिणमन करे वो करे। चलो ये तो नहीं तो आई समझ में, बहुत बड़ा काम हो गया। यह परिणमति सा कर्ता। अब इसे पहले एक उदाहरण खड़ा करना पड़ेगा। यह परिणमति सा कर्ता, जो परिणमन करता है, जिस जो परिणमित होता है वह करता है, और जो परिणाम हुआ वो कर्म है, और जो परिणमन होने की क्रिया हुई ना परिणमित उसका नाम क्रिया है। और ये तीनों मिलकर एक ही वस्तु है, दो वस्तुएं नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी, मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई। क्या हुआ? मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई। तो यह परिणमति सा कर्ता, जो परिणमित होता है उसका नाम कर्ता है। तो कर्ता कौन हुआ? मिट्टी। कुम्हार क्यों नहीं हुआ? कुम्हार यदि घड़ा का कर्ता हो ना तो कुम्हार को घड़ा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ये अमृतचंद आचार्य ने पहले टीका में लिखा है, हमने पढ़ी नहीं ना टीका। क्या कहा? कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है, घड़े का कर्ता कौन है? मिट्टी। यदि कुम्हार घड़े का कर्ता हो तो कुम्हार को घड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता किसे कहते हैं? जो परिणमन करता है उसे कर्ता कहते हैं। अब आप घड़े के रोम रोम में जाओ तो कौन मिलेगा? मिट्टी मिलेगी। उसके कण कण में कहीं कुम्हार नहीं मिलेगा। समझ आए ना? है? यदि कोई घड़े बनाने वाली कंपनी होगी तो वह कंपनी नहीं मिलेगी। किसके लिए बनाया गया? डायरेक्ट कस्टमर के लिए। कस्टमर भी नहीं मिलेगा। कहाँ रखा है? टेबल पे। टेबल भी नहीं मिलेगी। कहीं कैसे बना? चक्र और दंडा, वो भी नहीं मिलेगा। उस घड़े के कण कण में मिट्टी मिलेगी। समझ आया ना? तो मिट्टी वास्तव में क्या है? उसका कर्ता है, और घड़ा उस मिट्टी का कर्म है। यह परिणमति सा कर्ता, जो परिणमित होता है वह कर्ता है, और जो परिणाम हुआ वो क्या है? कर्म है। यह परिणामो भवेत्तु तत् कर्म, और जो परिणाम हुआ वह उसका कर्म है। तो मिट्टी करता है और घड़ा उसका कर्म है। समझ में? अब परिणति क्या है? कि घड़ा मिट्टी रूप परिवर्तित हुआ ना। क्या कहा? घड़ा मिट्टी रूप परिणमित हुआ ना, तो उसका नाम क्रिया है। उसी का नाम क्या है? परिणति। लिखा ना, यह परिणति क्रिया सा। समझ है ना? और जो परिणति है वो क्रिया है, अथवा जो क्रिया है वो परिणति। समझ है ना? तो जो परिणति है वही, उसी का नाम क्या है? क्रिया है। तो मिट्टी करता है, घड़ा उसका कर्म है, और मिट्टी के घड़े रूप परिणमित होने की क्रिया, कि पहले वह क्या था? पहले मिट्टी पिंड रूप में थी। पहले मिट्टी कैसे थी? पिंड रूप में थी, और पिंड रूप का व्यय होके घड़े रूप में उत्पत्ति हुई। तो ये जो परिणति हुई ना, इसी का नाम क्या है? क्रिया। तो मिट्टी कर्ता, घड़ा कर्म, और घड़े रूप जो परिणति हुई उसका नाम क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया, तो ये तीन चीजें अलग अलग हैं क्या? बोले एक ही है। समझ आए ना? तो उसके लिए लिखते हैं त्रयमपि भिन्नम न, ये तीनों भिन्न नहीं है। कैसे? वस्तुतया। वस्तुतया मतलब वस्तु स्थिति देखी जाए तो, वास्तव में देखा जाए तो, वस्तु में देखा जाए तो, ये तीनों कोई अलग अलग चीज नहीं है, तीनों एक ही वस्तु है। बात समझ आ रही कि नहीं? ऐसा है।
यानी तीनों एक ही में होते हैं, दो द्रव्यों में ऐसा कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, इसलिए दुख क्रियावाद का प्रसंग शास्त्र में नहीं है, जिन धर्म में सम्मत नहीं है। उसी पृष्ठभूमि पे आचार्य ने कलश लिखा कि भैया जो परिणमित होता है वह कर्ता है, जो परिणाम हुआ वह क्रिया है, और जो परिणति कर्म है और जो परिणति हुई वो क्रिया है, और तीनों मिलकर एक ही वस्तु है, कोई दो वस्तु नहीं है। कि कर्ता अलग द्रव्य है, कर्म अलग द्रव्य है, ऐसा कोई दुख क्रियावाद जैसी स्थिति समझ आए ना। और किसी में घटित कर लो, जैसे आटा कर्ता है, रोटी कर्म है, और रोटी बनने की जो परिणति परिणमित हुई ना आटा, वो क्या है? क्रिया। और ये तीनों अलग अलग हैं कि एक है? एक ही। तो फिर कुम्हार ने क्या किया? कुम्हार किसका करता है? कुम्हार का जो जीव है वह करता है, काय का घड़े बनाने की इच्छा वह उसका कर्म है, घड़े बनाने की इच्छा वह उसका कर्म है। वो पहले शांति से बैठा था, सो रहा था, और उस दशा का व्यय होके इच्छा रूप परिणति हुई, तो ये परिणति हुई ना, इसका नाम क्रिया है। तो कुम्हार की इच्छा और है ना इच्छा रूप परिणति, ये तीनों कुम्हार से अभिन्न है, ये तीनों अलग। तो कुम्हार किसका करता है? अपनी इच्छा का करता है। घड़े का करता मिट्टी है, समझा है ना। तो इन दोनों में क्या है? बोले इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध तो कुम्हार का अपने इच्छा के साथ है, और यहाँ मिट्टी का अपने घड़े के साथ, मिट्टी का घड़े के साथ, ठीक है ना। ये आचार्य में यहाँ फिलोसफी है, ये दर्शन है ना। पढ़ो जरा एक बार मिलके इस कलश को। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणति ही क्रियासा, त्रयमपि भिन्नम् न वस्तुतया। हिंदी पढ़ दे। कर्ता वही जो परिणमे, परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रिया, बस तीनों अभिन्न। अब अभिन्न कहने से काम चल जाता, लेकिन यहाँ अखंड के लिए भी जगह मिल गई, उन्हें अखंड भी रख दिया, समझ आए ना। तो ऐसे सबके साथ लगा लो, राग का परिणाम हुआ तो राग का कर्ता कौन है? राग का कर्ता कौन है? जीव, क्योंकि जीव ही राग रूप परिणमित होता है। जीव क्या होता है? राग रूप परिणमित होता है। देखो अपन कहते हैं ना, पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? बालबोध वगैरह में पढ़ी है ना, गुणों के परिणमन का नाम पर्याय है। तो वो तो ठीक है, बालबोध में बच्चों को समझाने के लिए ठीक है ना, उससे आसानी से समझ में आ जाती है कि ज्ञान गुण है, जानना उसकी पर्याय है, उद्गल का स्पर्श गुण है, ठंडा गर्म उसकी पर्याय है। लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं है। हकीकत जो देखा जाए, पर्याय मतलब पूरी वस्तु का ही परिणमन, पूरी वस्तु का मिलके ही परिणाम होता है। अब उसे भेद कर देते हैं तो गुणों में भेद कर देते हैं, है ना। तो यहाँ जीव ही राग द्वेष रूप परिणमित होता है। रागी कौन होता है? जीव होता है कि चारित्र गुण होता है? जीव ही रागी कहलाता है। संसारी और मुक्त जीव के भेद है, समझा है ना। आत्मा के अंदर में भेद नहीं है कि एक आत्मा, उसमें जितने अंश में राग है वह संसारी है, जितने अंश में उसमें वीतरागता है उतने अंश में मुक्त है, ऐसा नहीं। जी पूरा जीव ही संसारी है, और जो जीव मुक्त है वो पूरा ही मुक्त है। तो जीव ही राग होता है, रागी होता है। तो राग रूप परिणमित हुआ तो कर्ता कौन है? जीव। राग क्या है उसका? कर्म। और राग रूप परिणति हुई ना बदलाव, उस बदलाव का नाम क्या है? क्रिया।
और ये तीनों एक ही हैं, तीन एक ही वस्तु हैं, क्योंकि इनमें कोई वस्तु भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है, काल भेद नहीं है और भाव भेद भी नहीं है। तीनों एक ही है मतलब तीनों ही जीव हैं, जीवमयी। क्षेत्र भेद नहीं है मतलब, क्षेत्र भेद नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि जीव का असंख्यात प्रदेश अलग हो, उसके राग के असंख्यात प्रदेश अलग हों और परिणति के असंख्यात प्रदेश अलग हों। द्रव्य भी वही है, क्षेत्र भी वही है, काल भी अलग अलग नहीं है। जिस समय परिणाम हुआ उस समय जीव, राग और राग रूप परिणति, ये तीनों एक ही काल में, और भाव भेद नहीं है। भाव भेद मतलब गुण भेद भी नहीं है। जिस गुण की है ना, कोई पर्याय ले, यहाँ भाव भेद में गुण ले लो आप, तो मान लीजिए अज्ञान रूप दशा का, ज्ञान रूप दशा का है ना, एक दशा का, ज्ञान की एक दशा का नाश हुई, दूसरी दशा हुई, तो ये परिणति किस में हुई? ज्ञान में हुई। किसके आधार से हुई? ज्ञान के आधार से हुई। समझ रहा है ना? तो भाव भेद भी नहीं है कि एक में कोई एक गुण की बात हो, दूसरे में कोई दूसरे गुण की बात हो। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों ही दृष्टि से वह एक ही वस्तु है, कोई दो वस्तुएं नहीं। समझ आया ना? तो लिखा ना, तीनों अभिन्न अखंड है। जो बनारसी दास जी का है ना, इसमें छंद आप देखो अगले ही पेज पे, 94 पेज पे नीचे दिया है, बहुत अच्छा है, याद करने लायक है। संस्कृत में याद ना हो तो हिंदी का याद करने लायक। क्या लिखा देखो, कर्ता परिणामी दरब कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर जय की फिरनी वस्तु एक त्रैनाम। वाह, बहुत कम ऐसा होता है कि संस्कृत से ज्यादा मजा उसके अनुवाद में आ जाए। समझना है ना? आचार्य ने जो कलश लिखा वो तो है ही बिल्कुल सरल, गजब है, लेकिन इसमें जो भाषा का भी आनंद है ना बनारसी दास जी के में, क्योंकि सब हम हिंदी भाषी हैं, तो इसमें देखो कर्ता परिणामी द्रव्य है ना, परिणमन करने वाला जो द्रव्य है वही क्या है? कर्ता है। और कर्म रूप परिणाम, और जो कर्म हुआ परिणाम, परिणाम है वही क्या है? कर्म है। और क्रिया, ये शब्द बहुत गजब दिया है यहां, पर जय की फिरनी, फिरनी समझ गए, फिरनी समझ, फिरनी नहीं समझे, फिरकी फिरकी फिरनी है ना। अब फिरनी, फिरनी को कैसे समझा है? आपने वो चलाया है लट्टू, तो घूमता है, यानी फिरनी मतलब, और फिरना वैसे फिरकी, वो फिरना के मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो भी फिरना कहते हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो घूमने जा रहे हैं, और फिरना, फिरने भी बोलते, फिरने जा रहे, ठीक है। तो दूसरा एक होता है फिरना, मतलब कहते ना उसने तो भैया आंखें फेर ली, हाँ आंखें बदल ली है ना। बुंदेली में तो एक और होता है फिरना, जैसे मान लीजिए किसी दुकानदार से आपने 300 रुपये का सामान लिया और आपने उसे 500 रुपये दिए, तो उसने जो 200 रुपये वापस दिए ना, उसे भी कहते फेरना। भाई साहब 200 रुपये तो फेरो है ना, और नहीं भाई साहब 200 रुपये नहीं फेरे, बुंदेली में होता है हमारे यहाँ। तो कुल मिला के फिरनी मतलब बदलाव, फिरनी मतलब चलना, फिरनी मतलब गमन करना। तो जैसे किसी द्रव्य में कोई परिणाम हुआ तो एकदम गमन हुआ ना, पहले मिट्टी स्थाणु रूप में थी, अब घड़ा बन गया, जिसका नाम फिरनी है ना। पहले आटा लोई रूप था, लोई जानते, हाँ, फिर रोटी रूप हो गया, फिरनी है ना। पहले जीव शुभ भाव रूप में था, फिर उसे क्रोध आ गया, फिरनी। समझ आया ना? इसका नाम क्या है? पर जय की फिरनी। ये फिरनी शब्द में वो अर्थ करने में वो मजा ही चला जाता है, फिरनी में।
फिरनी को आप फिरनी से समझो तो मजा है, उसको उसका निर्वचन कर दो, उसका अर्थ फिर मजा ही नहीं आता उसमें, समझ में आए ना। क्रिया परिचय की फिरनी, वस्तु एक त्रय नाम, ये तीन नाम जरूर है लेकिन वस्तु तो एक है। ठीक है, समय हो गया है और बात चल सहजानंदी।